हमें बहुत शीघ्र मिला है। उम्मीद है जो हमारे सामने हमारे क्लाइंट है हम उनसे ज़्यादा फाइट कर पाएंगे औरों के मुकाबले, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता था जो अंदर की बारी किया है। हम चुप हो जाया करते थे, कोई और कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया उसने कुछ बताया हम बोल नहीं पाते थे, लेकिन हमें इतना पता है कि आप उससे ज़्यादा हम उसको बता सकते हैं। और आप 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? जब मैंने 10 साल पहले ये काम शुरू किया था इस लाइन में तो मेरे पास एक 40 मीटर की दुकान थी, आज मेरे 4 शुरू हैं, बस ये एलिडोकोर का और हमारा साथ। आपने देखा हर जगह इवेंट में फैक्ट्री में हर जगह हमने जो जिसने किया है वो है हैशटैग बी द फायर, हमने सिर्फ जिसने ही नहीं किया है हमने शुरुआत की है इस कैंपेन के सेलिब्रेशन के साथ। आप क्या आप हमारे साथ हो इस सेलिब्रेशन में? ऑफ कोर्स मैडम, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर। थैंक यू। और क्या लगता है आपको कि ये फायरबॉल जो रेसिपीज हम बना रहे हैं ये इंडिया को फायर सेफ कर पाएगी? मैडम 100% ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मेरठ में 7 साल पहले आग लगी थी विक्टोरिया पार्क में, उसमें काफ़ी लोग जल के मर गए थे और इत्तेफाक से जिन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था वो हमारे ही लाइन के लोग थे, वो आर्किटेक्ट तीनों, तो वो उन तीनों को बहुत दिक्कतें पैदा हुई, उन पर केस चल रहा है। तो उसमें जो लोग मरे थे वो धुएँ से घुट करके मरे थे, कम से कम हमारी जो ये वाली रेसिपी है इसमें ये वाली बात नहीं है, तो शायद हम इस चीज़ को रोक पाएंगे।